चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि हमारा जो देश है भारत, ये बना कैसे। और इस कहानी के दौरान ही आपको कई तरह के सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि भारत के बनते वक्त जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके दिमाग में क्या सोच थी, उन्हें बेसिकली क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, गांधी जी को फादर ऑफ़ द नेशन क्यों कहते हैं, जो हमारा संविधान है वो इतना खास क्यों है, हम उसे इतना क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाया जाता है वो स्कूल्स में तमाम, ये तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस कहानी के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, द बर्थ ऑफ आवर नेशन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उस वक्त में जब इंडिया, जो आज के वक्त में जैसे इंडिया एक देश है, उस टाइम पे इंडिया एक देश नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे एक इंडियन सिविलाइजेशन थी इस पूरे एरिया में, और ये सिलसिला चला, सदियों से चलता आया, एंड 1947 में जाके हमारा एक देश बना जिसको हम भारत या इंडिया कहते हैं। तो चलिए मैं आपको उस टाइम पे लेके चलता हूँ। उस टाइम पे इंडियन सिविलाइजेशन में 400 से भी ज़्यादा किंगडम्स थे। किंगडम्स मतलब कि राजघराने, जहाँ का सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग कुछ ऐसा हुआ करता था कि राजा होते थे और राजाओं के जो बच्चे होंगे उन्हीं में से कोई अगला राजा बनेगा, और जो जनता होती थी, जो आम लोग होते थे, उनके हाथ में कोई भी ऐसी पावर नहीं होती थी कि वो राजा को चेंज कर सकें या फिर कुछ भी वोट कर सकें, ऐसा कुछ नहीं होता था। जितने भी फैसले, जितनी भी पावर, सब कुछ राजाओं के हाथ में होता था, और आम जनता के हाथ में सिर्फ एक चीज़ थी कि वो टैक्स देते थे राजाओं को। तो ये तो सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग था उस टाइम पे। तो 400 से भी ज़्यादा किंगडम्स थे उस टाइम पे इंडियन सिविलाइजेशन में, और इन किंगडम्स में अब, क्योंकि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, आप इंडिया में कहीं पे भी जाइए तो अलग अलग जगहों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, लोग खाने पीने की चीज़ें सबके अलग हैं, लोग दिखते अलग टाइप से हैं, 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे। तो इन सब की वजह से हुआ ये था कि जितने भी किंगडम्स हैं उन सब के अंदर एक अलग आइडेंटिटी थी। मतलब उस टाइम पे आपको जैसे एक एग्जांपल दूं, जो बंगाल का राजघराना है वो अलग था, दिल्ली का राजघराना अलग था, पंजाब का राजघराना अलग था। उस टाइम पे अगर बंगाल के राजघराने में मान लीजिए किसी ने अटैक कर दिया, बाहर से कोई लोग आए उन्होंने अटैक कर दिया, तो जैसे लखनऊ का राजघराना है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो उनको मालूम भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे ना फ़ोन होता था, ना इंटरनेट होता था, ना न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स, कुछ है, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो पहली बात तो उनको मालूम ही ना जाने कितने टाइम की बात चलेगा, और उनको जब मालूम भी चलेगा तो भी वो उड़ती उड़ती बस खबरें आएंगी कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद भी उनको जब पता भी चलेगा तो वो लोग यही सोचेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में अलग अलग आइडेंटिटी भरी हैं, तो उनको सिर्फ अपने एरिया से मतलब है, अपने राज्य, अपने किंगडम से मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं बंगाल में क्या हो रहा है। वो सीधा यही कहेंगे, यार तुम बंगाली हो, तुम अपना जानो, तुम अपना संभालो। तो सबकी आइडेंटिटी अलग थी उस टाइम पे। अब इसके बाद तमाम किंगडम्स और तमाम जो किंगडम्स थे या तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, और या तो फिर आइसोलेटेड थे एक दूसरे से, कि मतलब एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्वियसली जब एक दूसरे का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, एक दूसरे से बात भी करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे सामने वाला कह क्या रहा है। तो या तो फिर आइसोलेटेड थे या फिर लड़ते झगड़ते रहते थे। तो ये तो हाल थे किंगडम्स के। अब इसके बाद वो जो धागा जो लोगों को बांधता है वो धागा था धर्म का। और अगर धर्म के लिहाज से अगर आप पब्लिक को देखें, पूरी बड़ी पॉपुलेशन को, तो 85% ये जो साइन होता है, इस साइन का मतलब होता है करीब करीब। तो करीब करीब 85% पॉपुलेशन हिंदू थी, और 15% पॉपुलेशन थी बाकी दूसरे धर्मों की। और हिंदुइज्म के बारे में अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ कास्ट्स। तो अगर आप किसी भी स्टेट के अंदर देखें, किसी भी स्टेट के अंदर तमाम तरह के विलेजेस हैं, आप किसी भी स्टेट के अंदर जाइए तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्योंकि हिंदू है, तो हिंदूज जो हैं वो बेसिकली डिवाइडेड होते हैं 4 वर्ण में, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित। ये 4 वर्ण होते हैं जिनमें सारे हिंदूज डिवाइडेड होते हैं। इन वर्ण के अंदर आती हैं कास्ट,
और कास्ट के भी अंदर आती हैं सब कास्ट, तो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड सिस्टम है और हर स्टेट का सिस्टम अलग अलग होता था। सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का काम होता था पढ़ाई लिखाई करना। जो पुराने जो वैदिक कल्चर था, जो वैदिक एजुकेशन थी, उस एजुकेशन को लेना, उस एजुकेशन को अगली जनरेशन तक पास ऑन करना, पूजा पाठ कराना, मंदिरों की देखभाल करना, ये सब तमाम काम ब्राह्मण्स के थे। इसके बाद ब्राह्मण्स के जस्ट नीचे जो वर्ण आता था वो थे क्षत्रिय। क्षत्रिय लोगों का काम था राज्य को डिफेंड करना या राज्य की रक्षा करना। ये लोग वो थे जो कि रूलर्स होते थे, जो बादशाह होते थे, चीफ्स होते थे, जो आर्मीज में होते थे, ये तमाम सब लोग क्षत्रिय वर्ण से आते थे। क्षत्रिय वर्ण के जस्ट बाद आते थे वैश्य। वैश्य यानी कि ट्रेडर्स। इसके बाद जो लास्ट में जो वर्ण था वो वर्ण था शूद्र, या फिर कह लीजिए दलित। और ये जो दलित वर्ण था, या फिर और इनके साथ जो बैकवर्ड क्लासेस, ये बहुत लोअर लेवल के काम इनको दिए जाते थे। लोअर लेवल के काम जैसे कि साफ सफाई करना, नालियाँ साफ करना, ह्यूमन एक्सक्रीटा उठाना, गांव देहात में जैसे जानवर मर जाते हैं उनको जाके उनका काम करना, और ये सब तमाम जो छोटे लेवल के काम है जो थोड़े गंदे माने जाते हैं, ये तमाम काम करवाए जाते थे दलितों से। दलितों के पास सबसे पहली चीज़, इनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, ना कोई ज़मीन ना ही कोई प्रॉपर्टी। ये अगर काम करते थे खेतों में तो जो हायर कास्ट के या अपर कास्ट के जो लोग होते थे इनकी ज़मीनों में ये लोग काम करते थे। और इसके बाद ये अगर कुछ और काम करते थे, कोई और प्रोफेशन, तो ये बाउंड होते थे कि ये उसी प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए कि कोई कुम्हार है, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, और उसका गुजर बसर नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली कुम्हार है, वो कितना प्रॉस्पेरिटी उसको मिल जाएगी, कितना समृद्ध हो जाएगा, वो एक लेवल है, बस एक थोड़ा बहुत काम चला लेगा। वो अगर चाहे कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा अच्छा भविष्य दूँ, मैं कोई और काम कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता था। वो कुम्हार है, उसको वही काम करना है हमेशा, और उसके बच्चों को भी वही काम करना है, वो कोई और काम नहीं कर सकते। तो ये जो दलित थे दे वर बाउंड फॉर लोअर वर्क्स। आप भले ही कितना गंदा काम कर रहे हो, आप नालियाँ साफ करो, लेकिन आपके बच्चे को भी नालियाँ ही साफ करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहो कि आपके बच्चे बेहतर ज़िंदगी जिए, उनको एजुकेशन मिले, अच्छी जगह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद दलितों को कोई एजुकेशन नहीं मिलती थी, जाहिर सी बात है, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी। कोई दलित किसी हॉस्पिटल में जाए या कहीं किसी भी और इंस्टीट्यूट में जाए, कहीं पे भी जाए, उनको वो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कराई जाती थी, और ज़ाहिर तौर पे उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती थी। इसके अलावा दलितों के पास कोई राइट्स नहीं थे। कोई भी अपर कास्ट का आदमी इनके साथ कितना भी बदसलूकी कर दे, मान लीजिए कोई दलित है, अब दलितों का हिसाब ये होता था कि गाँव में एक कोने में इनके घर होते थे, और जो हाँ अपर कास्ट के लोग हैं दलित, वहाँ बगैर इजाज़त के घुस भी नहीं सकता गांव में, उस एरिया में। मान लीजिए कोई दलित घुस आया, या फिर मान लीजिए दलितों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, कोई दलित मंदिर में चला जाए, या जिस कुएं से अपर कास्ट के लोग पानी पीते हैं, मान लीजिए किसी दलित को प्यास लगी हो और वो उस कुएं के पास भी अगर आ जाए पानी पीने की कोशिश करे, तो अपर कास्ट के लोग उस दलित को भले पीट पीट के मार डालें, उस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि कौन सुनवाई करेगा, ना पुलिस है ना अदालत है। और अगर वो दलित किसी के पास जाए भी कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया मेरे साथ, तो सामने वाला सीधा बोलेगा तुम दलित हो, अपर कास्ट के लोगों ने तुम मारा, तो गलती क्या है इसमें, तुम दलित हो, तुम हो ही इसी लायक। तो उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। दलितों को अनटचेबल्स माना जाता था, अछूत माना जाता था, कहा जाता था कि इनकी परछाई भी पड़ जाए, अपर कास्ट के लोग कहते थे इनकी परछाई भी पड़ जाए तो हम गंदे हो जाएंगे। तो ये तो हालात थे दलितों के। अब पूरी पॉपुलेशन चार वर्ण, अब पूरी पॉपुलेशन में या तो फिर आदमी होंगे या फिर औरतें होंगी। अब अगर औरतों की बात करें तो सबसे पहली चीज़, औरतों के पास कोई अपनी पहचान नहीं थी, ठीक है। आज के टाइम में जैसे हर औरत की अपनी एक पहचान है, वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है, उस टाइम पे औरतों की कोई पहचान नहीं थी। औरतों की बस इतनी पहचान थी कि ये इसकी बेटी है या इसकी बीवी है या इसकी माँ है। वो अपने ही घर के किसी मेल मेंबर से जिस रिश्ते में बंधी है वही उसकी पहचान होगी। इसके बाद
औरतों को भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, उनको कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी। वो चाहें कि हम रूलिंग क्लास में आ जाएं या कोई बड़ा काम करें, ऐसा नहीं हो सकता था, उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा औरतों के भी ज़्यादा कोई राइट्स नहीं थे। अगर कोई मान लीजिए बहुत हायर क्लास की, बहुत समृद्ध परिवार की कोई औरत है तो चलिए ठीक है, वो कई सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करेगी, लेकिन एज सच क्योंकि वो औरत है इस वजह से उसके कोई राइट्स हैं, ऐसा नहीं होता था। अब जो औरतें हैं, मान लीजिए दलित वर्ग की जो कोई औरत है तो समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी तो फिर जहन्नुम है। पहले तो दलित, ऊपर से औरत, तो समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी क्या रही होगी। तो इस तरह का समाज था उस टाइम पे, और ये समाज सदियों से चला आया। तो इस समाज, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप महसूस कर सकें कि हमारे समाज में कमज़ोरी कहाँ थी। कमज़ोरी ये थी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, पहली बात तो पूरी पॉपुलेशन में 50% तो औरतें ही होंगी, ठीक है, वो औरतें वैसे ही मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी से अलग हैं, उनका कोई रोल नहीं आ रहा है सोसाइटी में, वो बस उनकी कम एज में शादी कर दी जा रही है और वो बस घर संभाल रही हैं, उनका कोई एक्टिव रोल नहीं आ रहा है देश में या फिर किंगडम में किसी भी तरीके से। इसके अलावा जो आदमी भी हैं, आदमियों में से भी आधे से ज़्यादा लोग दलित और बैकवर्ड क्लासेस के थे, उनकी भी ज़िंदगी में ज़्यादा कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनकी भी ज़िंदगी में कोई प्रॉस्पैरिटी नहीं है, ना है ना आ सकती है। तो गिने चुने लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे जो आदमी थे और अपर कास्ट के थे, सिर्फ उन्हीं के पास सारे राइट्स हैं, सारे प्रिविलेजेस हैं और सारी जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है। अगर लड़ाई करनी है तो मुट्ठी भर क्षत्रिय हैं, यही लड़ने जाएंगे, बाकी लोग खैर। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो ऑप्रेस्ड थे और वो हमेशा ही ऑप्रेस्ड रहने वाले थे, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी। तो ये था समाज उस वक्त। अब 15th सेंचुरी के आसपास अंग्रेज हमारे देश में आए, और जब अंग्रेज हमारे देश में आए वो हमारे देश को लूटने के लिए ही आए थे, और वो सिर्फ हमारे देश में नहीं आए थे, वो नॉर्थ अमेरिका में भी थे, साउथ अमेरिका में भी थे, अफ्रीका, यूरोप, चाइना में भी अंग्रेज़ों ने पूरा रूल किया जापान के थ्रू, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मतलब देखा जाए तो पूरी दुनिया में अंग्रेज़ थे, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे। तो अंग्रेज़ जो थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स थे। अब जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, उन्होंने यहाँ के हालात देखे, यहाँ सारे किंगडम्स को स्टडी किया कि किस तरीके से कौन कौन से किंगडम्स में क्या चल रहा है, क्या डाइवर्सिटी है यहाँ की, यहाँ का समाज कैसा है, और उनके लिए इंडिया पे राज करना बहुत आसान हो गया। उन्होंने बस थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स करना शुरू किया धीमे धीमे, आहिस्ते आहिस्ते, पहले एक किंगडम को जीता, फिर दूसरे को जीता, फिर तीसरे को जीता, दो किंगडम्स को आपस में लड़ा दिया, फिर दोनों को जीत लिया और अलग अलग पॉलिसीज लाए। इस तरीके से बहुत कम टाइम के अंदर उन्होंने पूरे देश पर अपनी हुकूमत कर ली। और जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में हुकूमत कर ली तो पहली बात तो उन्होंने हमारे देश को लूटना शुरू किया। जितना भी इकोनॉमिकल कंडीशन था हमारे देश का, उसको बिल्कुल लूट लिया, नाश कर दिया। और सिर्फ इकोनॉमिकल पोजीशन नहीं, सिर्फ पैसा या फिर ये जो ट्रेड के सेंस में अगर बात नहीं करी जाए, तब भी जो आम आदमी थे उन पर भी बहुत अत्याचार किए। तो देखा जाए तो अंग्रेज़ों के टाइम में जो पूरा ये जो समाज था, ये पूरा समाज परेशान था, हर कोई परेशान था। अब होने ये लगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जो किंगडम्स हैं, ये अलग अलग किंगडम्स आवाज़ उठाने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करने लगे। अलग अलग जगहों पे देश में अलग अलग जो ट्राइब्स थे, अलग अलग लोग थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन अंग्रेज़ अब कोई कमज़ोर तो थे नहीं, अगर कोई किंगडम लड़ाई करता तो अंग्रेज़ उसे दबा देते, थोड़े दिन बाद कोई और किंगडम लड़ाई करता अंग्रेज़ उसे भी दबा देते, और ये सिलसिला चलता रहा 200-300 सालों तक। और इस पूरे दौरान जैसे कि 1857 की लड़ाई हुई, वो एक ऐसा टाइम था जिसमें अच्छे खासे लोग उठकर सामने आए थे, लेकिन अगेन फिर वही चीज़ था कि कोई कभी लड़ रहा है, कोई कभी उठ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है। तो इस तरीके से 1857 में भी हम लोग मतलब कामयाब नहीं हो पाए थे। ये सिलसिला जब चल लिया 200-300 साल, तो यहाँ पे कुछ लोग थे जिनको आज के टाइम में हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उन लोगों ने एक चीज़ महसूस कर ली कि अगर अंग्रेज़ों को हमारे देश से निकालना है, ठीक है,
तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ किंगडम्स से अंग्रेज निकल जाएं, कुछ किंगडम्स में रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वो वापस उन राज्यों को हासिल कर लेंगे। ऐसा हुआ भी था, कई ऐसे किंगडम्स थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करी, उनको अपने राज्य से निकाल दिया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अंग्रेज़ों ने वापस उनको जीत लिया। तो वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो एक बात समझ गए कि अगर अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालना है तो सब लोगों को साथ में उठकर लड़ना पड़ेगा, साथ में उठकर आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी किंगडम के हों, चाहे वो उनकी पहचान कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलें, चाहे किसी भी कल्चर के हों, ट्रेडिशन के हों, कहीं के भी हों, चाहे वो हिंदू हों चाहे हिंदू ना हों, और चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे किसी भी वर्ण के हों, सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा, सब लोगों को लड़ना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ तभी अंग्रेज़ों से लड़ा जा सकता है, अंग्रेज़ों को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अब जब ये बात उठती है कि सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा, तो यहाँ दो बहुत खास बातें आती हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप कहते हैं कि सब लोगों को साथ में लड़ना पड़ेगा, तो इधर आप ये भारत का समाज देखिए, आप किस बिना पे जो आदमी जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, जो नालियां साफ़ कर रहा है और उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी नालियां ही साफ़ करनी है, उस पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कोई भी उसको जान से मार दे, किसी का कोई कहना नहीं है, तो ऐसे आदमी को आप क्या कह के कहोगे कि आओ हमारे साथ लड़ाई करो, अपना घर बार छोड़ दो, अपना काम धाम छोड़ दो, आओ हमारे साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करो। हो सकता है अंग्रेज़ तुम्हें लाठी मारें, तुम लाठी भी झेल लेना, हो सकता है अंग्रेज़ तुम्हें गोली मार दें, तुम गोली भी झेल लेना, हो सकता है अंग्रेज़ तुम्हें जेल में डाल दें, तुम जेल भी चले जाना, लेकिन तुम लड़ाई करो। भाई किस मुँह से बोलोगे ऐसे आदमी को या फिर ऐसी औरत को जिसकी कोई पहचान ही नहीं है, जिसको आपने उठने ही नहीं दिया, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी थी जो वैसे ही ग्रस्त है बिल्कुल बुरी तरीके से, आप किस मुंह से आप उस पॉपुलेशन को कहोगे कि आओ आके लड़ाई करो, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर मान लीजिए सब लोगों ने मिलकर लड़ाई कर भी ली और आज़ाद हो भी गए, मान लीजिए, तो हम जो आज़ाद भारत बनाएंगे वो कैसा भारत होगा? वो ऐसा भारत होगा जहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑप्रेस्ड है और ऑप्रेस्ड ही रहेगी हमेशा आगे आने वाली पीढ़ियों तक, तो फ़ायदा क्या होगा? हम अंग्रेज़ों से तो छूट जाएंगे, कोई और देश आके हम पे अटैक कर देगा, कोई और देश हुकूमत करने लग जाएगा, और अंग्रेज़ों की हुकूमत क्या है? ये लोग क्या कम थे? ये 400 किंगडम्स जो थे ये आपस में क्या कम इन्होंने मतलब ये कीचड़ कर रखा था देश में, लड़े जा रहे हैं, भिड़े जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा आज़ाद भारत बनाएंगे कि अगर अंग्रेज़ चल भी गए तब भी हम आपस में लड़ते रहेंगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जो तमाम फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कल्पना करी एक आज़ाद भारत की, जिस आज़ाद भारत में तमाम किंगडम्स साथ में होंगे, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे किसी भी जात के लोग हों, चाहे आदमी हो औरत हो, वो सब लोगों को साथ वो देंगे, और ये देश सबका होगा क्योंकि सब ने लड़ाई करी है इस देश के आज़ादी की खातिर। लेकिन अब ये तो सिर्फ बातों की बातें हैं, ठीक है, बोलने में क्या जा रहा है, अब किया कैसे जाए? दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी आदमी की सोच बदलना। अब आप इन 400 स्टेट्स के पास जाओ, इन लोगों से बोलो कि हम एक देश बनाएंगे, ये 400 स्टेट्स आपस में लड़ते रहें एक दूसरे से, हमेशा से लड़ते रहे हैं, आप इनसे कहो कि नहीं साथ में कोऑपरेट करो, इसके बाद हिंदू हैं और दूसरे धर्म के लोग हैं, आप इनसे कहोगे कि साथ में कोऑपरेट करो, साथ में कोऑपरेट करोगे, साथ में एक दूसरे का साथ दोगे, तभी हम आज़ाद हो पाएंगे, ये भी कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद ये जो चल रहा है सदियों से, इसको ख़त्म करना आपको क्या लगता है बहुत आसान बात थी? और वो भी उस दौर में जब कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टीवी नहीं था, उस टाइम पे लोगों की सोच भी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं थी उस टाइम पे, और आप कैसे बोलोगे, हर किसी के पास कैसे पहुंचोगे, और पहुंचोगे भी तो कैसे सोच बदलोगे, वो सोच जो सदियों से चली है, या कैसे कन्विंस करोगे अपर कास्ट के लोगों को
कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, आप ये अछूत नहीं हैं, इनके अंदर भी वही जीव है जो कि आपके अंदर है, ये भी इंसान है बिल्कुल आपके जैसे, और इनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, इनके भी हक हैं, इनकी भी अपनी एक इज्जत है। ये जो औरतें हैं ये आदमियों की प्रॉपर्टी नहीं है, इनकी भी एक पहचान है। अब कैसे कन्विंस करोगे, कोई आसान बात नहीं है, और कन्विंस करोगे भी तो कितना करोगे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं कि एक टीवी है, आपने खड़े होकर एक जगह भाषण दे दिया, पूरे देश ने सुन लिया। आपको गांव-गांव में जाना पड़ेगा, आपको अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ेगा, लोगों से बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। ना जाने सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी ज़िंदगी लगा दी गांव-गांव घूमने में, इधर से उधर, उधर से इधर, लोगों के साथ बैठना, बात करना, लोगों को समझाना। उन्होंने, उन सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपर कास्ट के लोगों को ये सब बातें समझाई, लोअर कास्ट के लोगों को ये बातें समझाएं कि आओ हमारे साथ लड़ाई करो, और जो देश बनेगा, अगर हमें आज़ादी मिली और आज़ाद भारत बना, तो ये जो बंधन है तुम्हारे, जो तुम्हें और तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियों को जकड़ के जिन बंधनों ने रखा है, इन बंधनों से तुम आज़ाद हो जाओगे, तुम्हें अपनी ज़मीन मिल सकती है, तुम कोई भी काम कर सकते हो, तुम्हें एजुकेशन भी मिलेगी, तुम्हें फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, तुम किसी हॉस्पिटल में जाओगे तो तुम्हारा इलाज किया जाएगा, तुम्हें ये नहीं कहा जाएगा कि तुम दलित हो, तुम जाओ हम तुम्हारा इलाज नहीं करेंगे, तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, तुम चुनाव में खड़े हो सकते हो, तुम रूलिंग सिस्टम में आ सकते हो, तुम्हारे पास राइट्स होंगे। इन फ्रीडम फाइटर्स ने औरतों को यही बात समझाई कि आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी, आपकी अपनी पहचान होगी, अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, आपको प्रॉपर्टी होगी, राइट्स मिलेंगे आपको, आप आओ हमारे साथ लड़ाई करो। सब लोगों को समझाया गया, उनको बोला गया कि इस आज़ाद भारत में आपके लिए इतना कुछ है, लेकिन इसके लिए आपको अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, हो सकता है आपको लाठी भी पड़े, हो सकता है आपको गोली भी खानी पड़े, हो सकता है जेलों में डालना पड़े आपको, मतलब अंग्रेज़ आपको जेल में डाल दें, लेकिन आप लड़ो, ये आज़ाद भारत जो बनेगा आपको ये सब कुछ मिलेगा, ये देश हर किसी का होगा, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों का नहीं होगा, और सिर्फ आपको राइट्स भी नहीं मिलेंगे, आपको इसके साथ जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, देश की बागडोर आपके हाथ में होगी, हर आदमी इक्वल होगा। ये तमाम बातें समझाई फ्रीडम फाइटर्स ने लोगों को, तब जाके सब लोग एक साथ आ पाए, इस माइंडसेट से निकले। ये जो माइंडसेट था कि भाई तुम बंगाली हो तुम अपना देखो, इस माइंडसेट से निकाला लोगों को, ये धर्म के माइंडसेट से निकाला, सब लोगों को एक माइंडसेट में बांधा कि हम सब लड़ रहे हैं एक आज़ाद भारत के लिए जो देश हम सब का होगा। इस तरीके से ये आज़ाद भारत बना। 1942 में जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, तो पहली बार इतिहास में, हमारे देश के सैकड़ों साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हर वर्ग के लोग उठकर सामने आए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जगह के हों, किसी भी जात के हों, चाहे आदमी हों चाहे औरतें हों, इतने बड़े लेवल पे। और वो वक्त था जब अंग्रेज़ थोड़ा कमज़ोर भी पड़ गए थे, और अंग्रेज़ ये समझ गए थे कि अब इस देश को यूं रूल करना अब आसान बात नहीं है, तो इस तरीके से बर्थ हुआ हमारे देश का। अब एक और बड़ी ख़ास बात, आपने कह तो दिया, आपने कह दिया सारे दलितों को कि आपको राइट्स मिलेंगे, आपने कह दिया औरतों को कि आपको भी सारे राइट्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपने कह तो दिया कि हर आदमी को ऐसा ऐसा किया जाएगा चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन अब आप ये सुनिश्चित कैसे करोगे आज़ाद भारत में? हर जगह तो जिन लोगों ने, जिन फ्रीडम फाइटर्स ने ये सब कहा, हर जगह जाके वो खड़े तो नहीं रह सकते, सिस्टम तो वही है, लोग तो वही हैं। आज़ादी के बाद आप ये सुनिश्चित कैसे करोगे कि कोई दलित किसी हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसको हॉस्पिटल से बगैर इलाज के निकाल नहीं दिया जा रहा, आप कैसे सुनिश्चित करोगे? आप कैसे सुनिश्चित करोगे कि हर औरत को अधिकार मिल रहा है, और ये तमाम प्रोविजंस बन रहे हैं कि इन लोगों को गरीबी से निकाला जा सके, इन दलितों को जिनको 2000 सालों से, जिनको इस तरीके से दबाया गया, औरतों को जो हमेशा से, इनको कैसे आप उठाओगे, इनको समाज के मेन वर्ग में कैसे लाओगे? इसके बाद तमाम ये सब चीज़ें कैसे करोगे, सुनिश्चित कैसे किया जाए?
इस कैसे का जवाब है भारत का संविधान।